हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। सो आज हम इस वीडियो में प्रीलिम्स 2021 में जो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रीलिम्स इज़ ओवर, राइट? और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फर्दर ऑन, तो इट शुडंट मैटर वेदर यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स और नॉट। ऑफकोर्स अगर आपको लग रहा है कि आपके 100+ बन रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू कन्वीनियंटली क्लियर द प्रीलिम्स, देन तो गो फुल थ्रॉटल फॉर मेंस, है ना। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन है, आपको लग रहा है कि क्लियर हो सकता है या हो सकता है कि आप ना भी क्लियर कर पाए, डिपेंड्स अपॉन द की, बिकॉज कीज़ भी बहुत सारी जगहों पे वेरिएबल रहती हैं, सो यू कांट बी श्योर, राइट? तो वैसे केस में भी आई वुड सजेस्ट टू गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बिकॉज अभी यू कैन नॉट फोकस यू नो ऑन प्रिलिम्स अगेन, वो हो ही नहीं सकता, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। अगर आपको 2022 में अटैम्प्ट भी देना है और अगर आप श्योर भी नहीं हो, तो भी यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रिलिम्स अगेन। द बेस्ट थिंग वुड बी टू प्रिपेयर फॉर मेन्स, एंड इवन इफ यू आर श्योर दैट यू आर नॉट क्लियरिंग द प्रिलिम्स दिस ईयर, मे बी आपके मार्क्स कम बन रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू क्लियर द सी सैट पेपर, कोई भी रीज़न है, देन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स, राइट? जो मेन्स की प्रेपरेशन है वो आपको प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर में भी डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है? एंड एज सच जो मेन्स है वो आंसर राइटिंग है, इट्स अ स्किल दैट यू नीड टू मास्टर, सो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ठीक है? यू कैन स्टार्ट गोइंग यू नो कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मे बी जनवरी एंड और फेब्रुअरी स्टार्टिंग, ठीक है? आपको अच्छे से 3-4 महीने मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेन्स की तैयारी कीजिए, अपने ऑप्शनल की तैयारी कीजिए। देयर इज नो पॉइंट डेल्विंग ऑन द कट ऑफ, जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वंस एंड आप एक बार देख लीजिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। अगर तो आप कन्वीनियंटली पास हो रहे हैं तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, और अगर आप कन्वीनियंटली पास नहीं भी हो रहे, बॉर्डर लाइन में है या नहीं भी क्लियर कर रहे, तो भी मेन्स की तैयारी कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री क्लियर करना आपका एम नहीं है, आपका एम है लिस्ट में नाम लेके आना, उसकी उसमें जो है प्री भी क्लियर करना है, मेंस में भी नंबर लेने हैं और इंटरव्यू में भी नंबर लेने हैं, तो प्रिपेयर उस तरह से कीजिए, राइट? अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, सो एनवायरनमेंट से बेसिकली हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, बट ये जो क्वेश्चंस है ना, आई वुड से देवर आई डोंट नो अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पेपर, बट देवर मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, यू हैव रेड द टेक्स्ट बुक, तो आपसे ये क्वेश्चंस ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, बट देन एवरी वन इज सेलिंग इन द सेम बोट एज फार एज दोज क्वेश्चंस आर कंसर्न, दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स और नॉट। बट हाँ, जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो आपके सही होने चाहिए थे, राइट? सो अगेन, आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एनवायरनमेंट में, प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्सेप्ट क्यों है ऐसा, द हाउ ऑफ इट, द वाई ऑफ इट, एवरीथिंग यू शुड नो, ठीक है? जैसे पहले जब हम पिछले साल के प्रीलिम्स देखते हैं, तो बहुत सारे ना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, जैसे स्पीशीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है? इस साल का पेपर वॉज मोर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन। अब हो सकता है नेक्स्ट साल फिर वही स्पीशीज़ पे क्वेश्चन आ जाए, कन्वेंशंस पे क्वेश्चन आ जाए, यू नो, और प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे क्वेश्चन आ जाए, अगेन फोकस फैक्चुअल पे हो गया। तो हमारा आइडिया होना चाहिए कि हमें कॉन्सेप्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं और हमें फैक्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? व्हाट वी कैन डू इज़ प्रिपेयर होलिस्टिकली, ताकि कोई भी पेपर आए, एटलीस्ट उसके 40-60% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आते हों, राइट? सो लेट्स डिस्कस दिस ईयर्स पेपर। सो ये जो पहला क्वेश्चन था, RD कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आई थिंक दिस वॉज अ टिपिकली टफ क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपने न्यूज़पेपर में अगर पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसको अटैम्प्ट कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आपके लिए ये मुश्किल रहता। बट अगेन आप इसको एक्सक्लूजन से कर सकते थे कि ये वाली ऑप्शंस तो नहीं लग रही हैं, तो ये हो सकती है, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर इज़ Environmentally responsible practices in electronics recycling industry. But again, if you have read it, then to nothing like it. ठीक है?
सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल से आते हैं जो मिस हो सकती हैं. तो इस क्वेश्चन को देख के आई वुड से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलना चाहिए. देखो हाइंडसाइट में अगर तो आपका पेपर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं हो रहा या बॉर्डर लाइन पर हो आप तो प्लीज़ टेक अवेज ज़रूर लेना इस पेपर से सो दैट यू कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट. देखो पैटर्न जो मुझे लगता है पैटर्न चेंज हो गया, इट इज़ लाइक आई डोंट बिलीव इन दैट. मुझे लगता है कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल यू आर प्रिपेयर्ड वेल. तो अगर आप होलिस्टिकली तैयारी करते हो ठीक है यू वुड डेफिनेटली क्लियर पेपर. ठीक है बिकॉज प्रिलिम्स इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग द मैक्सिमम, इट इज़ जस्ट अबाउट स्कोरिंग एक मिनिमम कट ऑफ से ऊपर, और उतना स्कोर हो जाता है ठीक है. बिकॉज कॉम्पिटिशन यही है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड होलिस्टिकली. आप अपनी तैयारी चीज अच्छे से करिए एंड रेस्ट विल फॉलो, राइट. ओके देन कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में. कॉपर स्मेल्टिंग होता है, दिस वी हैव डिस्कस इन आवर एयर पोल्यूशन लेक्चर्स ऑल्सो. इट स्मेल्टिंग इज वेन यू टेक आउट कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, राइट. तो जो उसको स्मेल्टिंग कहते हैं. अब वहाँ पर कॉपर स्मेल्टिंग में हमने पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा. कॉपर स्लैग होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो बाय प्रोडक्ट है वो लीचिंग कॉज करता है हैवी मेटल्स की, एंड दे ऑल्सो मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पल्यूटेंट, राइट. तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव है, 1, 2, and 3, राइट. अगेन आई वुड से अगर आपने एयर पल्यूशन ढंग से पढ़ा है थोड़ा सा आप एप्लीकेशन करें तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकता है, राइट. देन फर्नेस ऑयल. फर्नेस ऑयल भी हम एयर पोल्यूशन में जब हम पेट कोक पढ़ते हैं ना उसके साथ ही पढ़ते हैं, और पेट कोक न्यूज़ में है क्योंकि इट हैज़ बीन बैंड एज अ फ्यूल, ठीक है. एक दो साल पहले की खबर है बट न्यूज़ में है, हम पढ़ते हैं पेट कोक या पेट्रोलियम कोक, राइट. तो फर्नेस ऑयल भी उसके साथ पढ़ते हैं, पेट कोक भी ऑयल रिफाइनरीज का बाय प्रोडक्ट है, ये भी उसी का बाय प्रोडक्ट है, एंड ऑब्वियसली सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर एंड इट ऑल्सो कॉजेज सल्फर इमिशंस, राइट. सो इसके भी तीनों सही हैं, आंसर इज 1, 2, and 3. देन ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने इन्वायरमेंट के बेसिक्स पढ़े हैं इट शुड बी वेरी ईजी फॉर यू. दिस इज द कार्बन विच इज़ कैप्चर्ड बाई ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स. ये तो हमने भी बहुत बार अपने जो YouTube पे लेक्चर्स हैं उस पर कवर्ड है, जो प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स हैं उस पर कवर्ड है. एंड इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग डिलीजेंटली दिस शुड बी केक फॉर यू, राइट. देन नेक्स्ट इज इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सर्फेस विदाउट सॉइल्स. अब इसका भी जो आंसर है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि देखो मशरूम नहीं है, फर्न नहीं है, ठीक है. आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा हाइड्रोपोनिक्स का, वहाँ पे फर्न भी पानी में उग जाता है लेकिन वो नेचर में नहीं होता, ठीक है. नेचर में नेचुरली आपको नहीं मिलता. लाइकन फॉर श्योर ऑप्शन होना चाहिए. मॉस को लेके भी कन्फ्यूजन है. देखो मॉस जो है नॉर्मली एसिडिक सॉइल्स में ही मिलता है, बट मॉस जो है वो अपनी जो न्यूट्रिशन है जो पानी है वो एयर से भी अब्सॉर्ब कर लेता है. सो इट कैन ऑल्सो ग्रो विदाउट सॉइल्स, ठीक है. अब आई वुड मार्क द आंसर टू बी 2 and 3. बाकी यूपीएससी में जो आएगा वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. जो भी उसका आंसर होता है उसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है. जैसे जो भी आंसर आपने मार्क किया होगा दैट यू कैन ईजिली जस्टिफाई. बहुत कॉन्टेंट है ऑनलाइन तो आप जस्टिफाई तो कर ही दोगे, बट फॉर अस यूपीएससी इज़ द अथॉरिटी, ठीक है. सो आई वुड मार्क इट टू बी 2 and 3, बट अगेन अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी स्टार मार्क्ड, द आंसर कुड बी 2 ओनली ऑल्सो, राइट. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ते हैं कि लाइकन्स जो हैं वो बेयर रॉक पे आते हैं, उसके बाद मॉसेस आते हैं, ठीक है. उसके बाद फर्दर ऑन जो हमारी सक्सेशन चलती रहती है वी हैव क्लाइमैक्स कम्युनिटी, राइट. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में कौन सा यूज़ होता है. ये भी एक क्वेश्चन है जिसने बहुत कन्फ्यूज़ किया हुआ है क्योंकि अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो ना आपको लेमन ग्रास और एलिफेंट ग्रास दोनों ही आंसर मिलते हैं. तो आई वुड अगेन से यू कैन स्टार मार्क दिस क्वेश्चन एंड जस्ट वेट फॉर द यूपीएससी की, ठीक है. क्योंकि दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, दोनों में सिट्रोनेला रहता है, राइट. सो वी कांट बी रियली श्योर ऑफ द आंसर इन दिस वन ऑल्सो.
देन नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेजहॉग, मामोट एंड पैंगोलिन. ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन आया कि कैसे द अबव ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप टू प्रोटेक्ट इट्स वल्नरेबल पार्ट्स. हम क्या करते हैं, हम पैंगोलिन के बारे में पढ़ते रहते हैं कि वो इंडियन चाइनीज, उनका यूएसएन स्टेटस वो कहाँ मिलती है, सॉरी ट्रैफिक्ड फॉर इट्स स्केल्स एंड ऑल दैट. यूपीएससी ने कुछ और ही पूछ लिया, फेयर इनफ, पूछ सकता है. सो ये भी क्वेश्चन अगर आपने पैंगोलिन के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो यू कैन ईजिली मार्क हेजहॉग एंड पैंगोलिन इज द करेक्ट आंसर. मामट इज अ टाइप ऑफ अ रोडेंट, ठीक है, जो रोल अप नहीं करता. बट हो सकता है कि आपने ना भी पढ़ा हो, तो आई वुड अगेन से दिस क्वेश्चन वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट अगर आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी नहीं है. बट अब वही है कि आप इस क्वेश्चन के बेस पे अपनी तैयारी ऑल्टर नहीं कर सकते. ऐसे क्वेश्चन हर साल आएंगे ही आएंगे, ठीक है. यू कैन नॉट ऑल्टर योर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन. देन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, अगेन ये भी क्वेश्चन ऐसा था जो कि वी हैवंट कवर्ड इट, राइट. बट अगेन इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज जब पढ़ा ही नहीं है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो आई वुड हैव वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू मे बी लीव दिस क्वेश्चन, या फिर आप एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते थे कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, अगर होता तो शायद हमने पढ़ा होता. ठीक है, ये सही है, सेकेंड सही है जैसे ऑप्शन, एंड फिफ्थ सही नहीं है, है ना. सो उसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते थे, बट अगेन ये कैलकुलेटेड गैस है, ठीक है, विच कैन ऑब्वियसली गो रॉन्ग, राइट. सो इसका जो आंसर है इट शुड बी 1, 2 एंड 4, ठीक है, क्योंकि ये सही है, ये सही है और ये सही है. लीगली बाइंडिंग नहीं है, वॉलेंट्री है, और इंडिया वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द इट सिंस इट्स इंसेप्शन, राइट. तो ये आंसर इसका शुड बी 1, 2 एंड 4, राइट. देन मैग्नेटाइट पार्टिकल्स न्यूरो डीजनरेशन कॉज करते हैं एंड दे आर रिलीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें भी आई वुड से द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव बिकॉज ये तो हम श्योर हैं, ठीक है. इसमें भी आपको जो लिटरेचर है वो मिल जाता है, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर. नाउ अगर आपको फिल्टर फीडर भी पता है तो अगेन ये क्वेश्चन इज नॉट दैट ईजी टू अटेम्प्ट, ठीक है. सो इसका जो आंसर है वो ऑयस्टर है, बट अगेन ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, एंड अगेन लाइक आई सेड कि आप अपनी प्रिपरेशन इनके ऊपर बेस नहीं कर सकते हो. आप जो तैयारी कर रहे हो उसी को करते रहो, बस यू कैन इंक्रीज अ सर्टन लेवल ऑफ योर क्यूरियोसिटी इफ एट ऑल, अगर आप कुछ चेंजेस लेके आना चाहते भी हो, ठीक है. नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में वेदरिंग ऑफ रॉक्स मेन सोर्स किस में होता है. अब ऑब्वियसली कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल पे तो नहीं होगा क्योंकि उनका जो रिजर्वॉयर है वो तो एटमॉस्फेयर है. दिस वी ऑल नो फॉस्फोरस और सल्फर में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है. तो इसका जो मेन वेदरिंग ऑफ रॉक्स का जो मेन है वो फॉस्फोरस साइकिल ही रहता है, तो इतना मुश्किल ये भी नहीं था, ठीक है. दिस वी हैव कवर्ड, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, नेचुरल रिजर्वॉयर, एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स वी हैव कवर्ड के जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वही मेन इसका सोर्स रहता है, ठीक है. देन डेट्रीवोस. नाउ डेट्रीवोस हम पढ़ते रहते हैं, अर्थवॉर्म्स और वुडलाइस तो हमने अपने लेक्चर्स में एज सच एग्जाम्पल्स पढ़े ही हुए हैं, मिलीपीड्स भी उनसे मिलते जुलते हैं. नाउ वी ऑल नो जेलीफिश तो नहीं है, है ना, और सी हॉर्स भी जब हम सी का वगैरह कवर करते हैं तो उसमें हमने कवर किया हुआ है, तो ये दोनों नहीं है, तो ये तीनों हैं, ठीक है. इवन इफ़ यू नो जेलीफिश एंड सी हॉर्स आर नॉट देयर एंड यू आर कन्फ्यूज अबाउट मिलीपीड्स, देन भी आपका जो आंसर है वो आ ही जाएगा बेस्ड ऑन दी ऑप्शंस, राइट. सो दिस इज लाइक वुडलाइस और मिलीपीड्स तो हम कवर करते ही हैं. देन कॉमन कार्बन मेट्रिक UNEP का, इसका भी जो सही आंसर है वो फर्स्ट है. अब क्लाइमेट चेंज ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें इतनी ज़्यादा न्यूज़ जनरेट होती है, और UPSC भी ना बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हर साल कुछ ना कुछ ऐसे पूछ लेता है जो बहुत ही कम न्यूज़ में थी या बहुत ही माइन्यूट डिटेल थी जो ईजिली मिस हो सकती थी. तो अगेन आई वुड से कि आप उस अपनी प्रिपरेशन उस पर बेस नहीं कर सकते हो ना आपको, पर लेकिन आप जो बेसिक्स हैं जो न्यूज़पेपर में आते ही रहते हैं वो डिटेल्स आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है, ताकि आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ भी जाए तो यू कैन ईजिली स्किप दैट, राइट. एंड लास्टली अगर हम बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, तो निडेरियंस कोरल्स,
है ना, फंजाई एल्गे के साथ, लाइकेंस प्रोटोजोआ भी है ही है। प्रोटोजोआ अगर पैरासिटिक रिलेशंस बनाता है तो किसी के साथ सिम्बायोटिक भी बनाता ही होगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ कोई स्पेसिफिक एग्जांपल। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस एनवायरमेंट से। उसके बाद क्वेश्चन था कि ग्रासलैंड्स में ट्रीज क्यों नहीं होते, वो भी वी हैव कवर्ड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, ट्री सिटी हैदराबाद के ऊपर क्वेश्चन था, अगेन वो भी हमने कवर किया हुआ है। तो मोटे मोटे आप लगा लीजिए कि 16 to 18 क्वेश्चंस थे राइट इसमें एनवायरमेंट में, एंड यू नो मोस्ट ऑफ देम वर एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे। कुछ थे फॉर एग्जांपल R2 कॉमन कार्बन मेट्रिक, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, ये अगर आपने मिस भी कर दिया ना तो भी इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो अगेन तैयारी एनवायरनमेंट की आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट्स दोनों पे फोकस होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले साल फिर से UPSC फैक्ट्स के ऊपर शिफ्ट कर जाए। तो ये नहीं है कि अब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ते रहें बाकी चीज़ें इग्नोर करते हैं, हमें अपनी तैयारी को होलिस्टिकली ही करना है ताकि कोई भी प्री आ जाए, कोई भी पैटर्न आ जाए, हम एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर लें। राइट, सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच।